नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज भी एक सेलिब्रिटी का यहाँ पर हाथ एनालिसिस करने वाले हैं और ये पार्ट सेकंड है, मतलब यहाँ पर लेसन सेकंड हम शुरू करने वाले हैं। और मुझे थोड़े से कमेंट्स भी आ रहे थे कि यहाँ पर इस वीडियो कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं संदीप महेश्वरी जी का हैंड एनालिसिस। तो देख, आप सभी जानते हैं यहाँ इनको किसी भी कहें कि परिचय की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद इनके थोड़ी सी हैंड पिक्स मिली हैं, तो उसको हम जानेंगे। और इनके हाथ में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी लाइनें हैं या फिर ऐसे कौन से साइंस हैं जिन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड वाइड और पूरा इंडिया में इनको फेमस किया, और किस लाइनों की वजह से ये इस प्रोफेशन में गए, सभी को हम जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को भी दबा लें, ताकि आपको फ्यूचर में इसी रिलेटेड, फार्मेस्ट्री से रिलेटेड यूज़फुल वीडियो मिल सके। तो आप वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ पिक्चर्स मिली हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। कुछ पिक्चर मुझे संदीप महेश्वरी जी की मिली हैं और काफ़ी जगह यहाँ पर रिसर्च की तो क्लियर पिक्स नहीं है, लेकिन हम अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर साइन इनके हाथ में है। तो देखिए, इनका राइट हैंड हम चेक करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर लेना चाहूँगा अलग से। तो चलिए देखिए, पहले तो आप जो ये राइट हैंड है ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि स्क्वायरिश हैंड है। और स्क्वायरिश हैंड मैंने बताया है कि अगर स्क्वायरिश हैंड है आपका, तो वो व्यक्ति शुरू में तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठाता है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस वो करता है व्यक्ति, और ऐसा मुमकिन हो पाता है उसकी मेहनत की वजह से। अगर उस व्यक्ति ने बहुत सारी मेहनत की है तो वो अवश्य यहाँ पर कामयाब होगा। तो ये रूल तो सभी के लिए लागू होता है, लेकिन जिनका हाथ थोड़ा सा स्क्वायरिश होता है तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो प्रोग्रेस यहाँ पर पा सकते हैं। तो जैसे आप अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो यही चीज़ इनके हाथ में भी लिखी हुई है और यही चीज़ हमें मालूम चल रही है। अगर इनका हाथ स्क्वायरिश है तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने झेला है, और अभी आप इनको यहाँ पर सभी वर्ल्ड इनको जानता है। तो फिंगर के बारे में यहाँ पर देख लेंगे, फिंगर इनके बारे में क्या कह रही हैं। मैं फिंगर की अलग से एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्लियर पिक है, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो थोड़ी सी जो फिंगर की यहाँ पर अटैचमेंट है, थोड़ी इनकी अलग से दिखी है, क्योंकि इसका कारण यही है। जो व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी व्यक्ति को फेमस होने के लिए क्या चाहिए, उसका सन माउंट। तो सन माउंट आप यहाँ पर नज़र मारिए, जो इनका सन माउंट है कितना ज़्यादा डेवलप है। मैं एक अलग पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आप यही इसी पिक्चर से आप यहाँ पर देख लें। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, इसी पिक्चर से आप यहाँ पर देख लें, इनका जो सन माउंट है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। उसके साथ यहाँ पर शनि माउंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। अगर यहाँ पर मैं पिक्चर बनाना चाहूँगा इनके हैंड के जो माउंट्स हैं उनकी, तो यहाँ पर जो सबसे ऐसी पिक्चर इनके बारे नीचे की तरफ ऐसी, तो जो इनका बृहस्पति माउंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबसे ज़्यादा वीक जो है इनका बृहस्पति माउंट है। और किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाने के लिए आप इसको मान के चले, काफ़ी हाथ में आप एनालिसिस कर पाएंगे। अगर ऐसी जैसे आप संदीप महेश्वरी जी जिस फील्ड में है उसको जानने के लिए, उसके लिए यहाँ पर शनि माउंट का बहुत अहम रोल है। आप इसको मान कर चलिए, शनि माउंट और चंद्र माउंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल है, क्योंकि चंद्र माउंट जो होता है हमारा मन का कारक होता है, और उसी से ही हमारी जो भावनाएं होती हैं और नॉलेज होती है उसका मालूम चलता है। तो एक शनि माउंट और एक चंद्र माउंट दोनों का डेवलप काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको आप, उनका हाथ आप एनालिसिस कर सकते हैं। उनमें जो उनका चंद्र माउंट होगा और जो शनि माउंट होगा काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। और ख़ास तौर पर फेमस होने के लिए तो सूर्य माउंट चाहिए ही चाहिए। इनकी जो सूर्य की फिंगर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है लेंथ में, और उसका जो माउंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे।
तो इनकी जो लाइनें हैं मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए, लाइनों तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं और अलग से पिक्चर यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा कि अलग से पिक्चर में कोई लाइनें यहाँ पर नज़र आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे इस लाइन में थोड़ी सी लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर हॉट लाइन और माइंड लाइन ही दिख रही है। काफ़ी यार रिसर्च की मैंने, लेकिन यहाँ पर लाइनों की जो पिक्चर है वो अच्छी नहीं मिली है। तो हम इनके फिंगर से ही इनकी जाँच यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस हाथ में भी आप देख पा रहे हैं कि माउंट्स कितने अच्छे हैं और माउंट्स की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखिए आप इस पिक्चर में देख लें, इस पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शनि की जो फिंगर है कितनी अच्छी लेंथ में है। तो इसके लिए आप मान के चले कि आपने अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अगर इस फील्ड में जाना है, तो आपका चंद्र माउंट और शनि माउंट काफ़ी अच्छा होने चाहिए। तो ये दोनों इनके हाथ में है और साथ में जो मशहूर होने के लिए यहाँ पर सूर्य की फिंगर और सूर्य का माउंट काफ़ी अच्छा होने चाहिए। तो किसी भी आप मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ को आप अगर देखेंगे तो आपको ये क्वालिटी नज़र आएंगी जो यहाँ पर संदीप महेश्वरी जी के हाथ में नज़र आ रही हैं। सॉरी, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लाइनों को मैं यहाँ पर देख नहीं पाया क्योंकि लाइनों की पिक यहाँ पर नहीं थी। तो इसी से आप समझ पा रहे हैं, और अपने हाथ को यहाँ पर देखें, अपने फिंगर्स को देखें, अपने माउंट्स को देखें, अगर अच्छे हैं तो इस फील्ड में आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी न्यूज़ के लिए, और आप बेल का आइकन क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।